तो अब हम बात करते हैं ब्लेंडेड फाइबर्स की। ब्लेंडेड फाइबर्स में बेसिकली क्या किया जाता है, जो डिफरेंट डिफरेंट फाइबर्स हैं उनको मिक्स कर दिया जाता है। तो मोर ऑफन किया गया जाता है जो एक सिंथेटिक फाइबर है, या तो आप उसको नेचुरल फाइबर के साथ मिक्स कर सकते हो, या फिर आप दो सिंथेटिक फाइबर्स को मिक्स कर सकते हो, या फिर दो नेचुरल फाइबर्स को मिक्स कर सकते हो। तो ये आपकी प्रोसेस है। सबसे पहले जो एग्जाम्पल वो है पॉलीकॉट, जिसमें आप पॉलिस्टर जो कि है एक सिंथेटिक फाइबर और कॉटन जो कि एक नेचुरल फाइबर, उसको मिक्स किया जाता है। एक होती है टेरी वूल, जिसमें आप पॉलिस्टर और वूल को मिक्स कर देते हो, और इसमें से जो वूल है वो नेचुरल फाइबर है एंड जो पॉलिस्टर है वो सिंथेटिक फाइबर है। आगे आप कॉट्स वूल बनाते हो, कॉट्स वूल में आप क्या करते हो, नेचुरल फाइबर्स को मिक्स कर देते हो, जैसे आपका कॉटन और वूल हो गया। ठीक है, आगे आ जाता है आपका एक्रेलिक। एक्रेलिक बेसिकली आपका एक क्लॉथिंग मटेरियल है। क्लॉथिंग मटेरियल का क्या मतलब है, ये कपड़े बनाने का काम आता है। ये काफ़ी लाइट वेट होता है, सॉफ्ट होता है, वार्म होता है, गर्म होता है, और साथ ही साथ वूल लाइक फील देता है आपको, मतलब आपको थोड़ी सी ऊन की जैसे फीलिंग देता है। और इसको डाई किया जा सकता है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के हो सकते हैं। इसको श्रिंक, ये श्रिंक नहीं होता है आफ्टर वॉशिंग, एंड ये इस पर रिंकल भी नहीं पड़ते हैं ज़्यादा, और इस पर इंसेक्ट्स भी नहीं ज़्यादा ग्रो कर पाते हैं। आगे चलते हैं, कहते काफ़ी ईजी होता है मेनटेन करना। एक ऑल्टरनेटिव फॉर एन एक्सपेंसिव वुलन फैब्रिक्स लाइक कश्मीरी। तो कहते हैं कि ज़्यादा ईजी क्या है, ज़्यादा ईजी ये है कि एक ऑल्टरनेटिव बना लेना किसी भी फैब्रिक का जो काफ़ी एक्सपेंसिव है। जैसे अगर आप बात करें सिल्क, सिल्क काफ़ी एक्सपेंसिव है। अगर आप उसकी बात करें तो उसके जो प्योर सूट्स हैं उनकी जो रेंज है, जो उसके प्योर क्लोथ्स हैं उनकी जो रेंज है, इट एक्सीड 30,000 और मोर। तो ये सिल्क के क्लोथ्स आपके काफ़ी महंगे आते हैं। इसी तरह से अगर आप पश्मीना की बात करें, जैसे पश्मीना शॉल्स के बारे में मैंने आपको बताया था, तो पश्मीना शॉल्स कितनी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, ये ज़रूर से ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। मतलब इसकी जो मिनिमम स्टार्टिंग होती है वो 20,000 से होती है। तो यू कैन इवन इमेजिन हाउ एक्सपेंसिव दे आर। तो इस केस में इनके लिए एक ऑल्टरनेटिव ढूंढना वो सबसे अच्छा काम है। तो आगे क्या है, इट टेंड्स टू फॉर्म फज एंड इज नॉट अ प्योर वूल। ये फज कर देता, फज मतलब अजीब सा थोड़ा हो जाता है क्योंकि ये प्योर वूल नहीं होती है। तो एक्रेलिक का पैटर्न इस तरह से होता है आपका। ये जैकेट्स बनाने का काम आता है, ब्लैंकेट बनाने के काम आता है। तो इसको वूल के साथ साथ में ब्लेंड किया जाता है टू मेक मटीरियल फॉर ट्राउजर्स, तो ताकि ट्राउजर्स का मटीरियल भी बन सके। तो आगे है आपका रबर। अब जो रबर है वो एक नेचुरल प्रोडक्ट है, ठीक है, जो लेटेक्स से बनता है, टैप्ड फ्रॉम रबर प्लांट। ये रबर प्लांट से आपको मिलता है, और नाउअडेज ये जो रबर है वो सिंथेटिक प्रोडक्ट है जो फैक्ट्रीज में भी बनाया जा रहा है। और ये वाटरप्रूफ होने की वजह से रेनकोट, कैप, गम बूट्स एंड बाकी टाइप ऑफ फुटवेयर बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आगे क्या, प्लास्टिक्स। प्लास्टिक्स बेसिकली ऐसे पॉलीमर्स, ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिसको आप मेल्ट करके कोई भी शेप दे सकते हो। और इसी के बेसिस पे ये दो तरह के होते हैं, एक होते थर्मोप्लास्टिक्स, एक होते थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। तो जो थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं वो इस तरह के प्लास्टिक होते हैं जिसको आप मेल्ट करो कोई भी और चीज़ बना दो, मतलब दे आर रिसाइकलेबल, ठीक है। तो ये जो होते हैं ये रूम टेम्परेचर पे तो हार्ड रहेंगे, और सॉफ्ट कब होंगे, जब आप इसको हीट कर देंगे, और ये एक लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और फिर जैसे ये कूल होंगे तो फिर ये क्या हो जाता है, रिजिड, मतलब हार्ड हो जाते हैं, सॉलिड हो जाते हैं। तो इसमें एग्जांपल आ जाती है आपकी पॉलीथाइलिन, पॉलिएस्टर, पॉलीविनाइल क्लोराइड एंड पॉलीप्रोपाइलिन। और साथ ही साथ इसको इसके टॉयज बन सकते हैं, बीड्स, बीड्स का मतलब मोती होता है, बकेट्स बन सकती हैं, बाल्टियाँ, टेलीफोन बन सकता है, टेलीफोन की केसेस बन सकते हैं, जो टेलीफोन होता है आपके जो केसेस होते हैं वो प्लास्टिक के होते हैं, और टेलीविज़न के केसेस बन सकते हैं, ठीक है। आगे आता है आपका थर्मोसेट्स और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, ठीक है। तो ये क्या होता है कि आप सिर्फ उनको एक ही बारी हीट करके एक तरह की ही शेप दे सकते हो, उसके बाद आप इसको रीमेल्ट करके रीकास्ट नहीं कर सकते हो। इसकी एग्जाम्पल जो आती है वो बेकलाइट आ जाती है और टेफ्लॉन आ जाती है। तो मतलब दिस इज़ द केस, जैसे अब आपके स्विचेस हो गए, ये देखिए आप देख सकते हैं, तो ये रिसाइकलेबल प्लास्टिक के नहीं बने होते हैं, ये ओनली वन टाइम यूज़ प्लास्टिक्स के बने होते हैं। तो आप एक ही बारी इसको, जो इसके पॉलीमर्स के जो मोनोमर होते हैं ना, जिसको छोटे छोटे यूनिट्स हैं, आप उसको एक ही बारी गर्म करते हो और एक ही बार इसकी फॉर्म दे देते हो, शेप दे देते हो, उसके बाद एक बार ये ठंडा हो गया तो फिर आप इसको मेल्ट नहीं कर सकते हो और रिकास्ट नहीं कर सकते, उसकी वो शेप आएगी नहीं प्रॉपर। तो आगे क्या है, करेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये काफ़ी लाइट होते हैं, इसके आप फाइबर्स भी बना सकते हो ताकि आप इसके क्लोथ और कारपेट बना लें, और साथ ही साथ ये काफ़ी कलर्ड होते हैं, इनके कलर्स बहुत सारे, कलर वेरिएशन बहुत सारी आती है, और डिज़ायर्ड शेप कोई भी शेप का प्लास्टिक बना सकते हो। तो इसको रीइंफोर्स किया जाता है और स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है, रीइंफोर्स एंड स्ट्रॉन्ग इन कॉम्बिनेशन विद अदर मटीरियल्स। अब इसको ना क्या किया जाता है, मज़बूत बनाया जाता है। मज़बूत आप कैसे कर सकते हो, इसमें बाकी चीज़ें और सामान डालकर, ठीक है।
इसके आप पतले पतले शीट्स भी बना सकते हैं जिसकी थिकनेस वेरी कर सकते हैं, कोई 10 mm थिक है, कोई 12 mm, कोई 1 mm. तो आप इसके बेसिस पे इसको क्या कर सकते हो, इसकी शीट्स भी बना सकते हो और इस पर प्रिंटिंग भी कर सकते हो एज रिक्वायर्ड आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग. तो इसके यूजर्स क्या हो जाते हैं आपके यूजर्स, आप काफ़ी सारे सामान बना सकते हो, वाटर प्रूफ कंटेनर्स बना सकते हो, साथ ही साथ इसकी प्लास्टिक रैप मटीरियल्स बना सकते हो जिसका इस्तेमाल आप फूड फ्रेश रखने के लिए कर सकते हैं अपने रेफ्रिजरेटर्स में. साथ ही साथ पैकिंग मटेरियल की तरह इसका इस्तेमाल किया जा सकता है टेबल क्लोथ बनाने के लिए, बाथरूम कर्टन्स, रेनकोट, वाटरप्रूफ शूज़ एंड फैशनेबल फुटवियर एट्सेट्रा. और इसका इस्तेमाल और क्या किया जा सकता है, इसमें आप ग्लास मिक्स कर सकते हो ताकि ये काफ़ी मजबूत बन सके, और ग्लास फाइबर भी डाल सकते हो ताकि ये और मजबूत बन जाए प्लास्टिक. तो ये जो फाइबर है बेसिकली ये भी पॉलीमर होते हैं जो प्लास्टिक के बने होते हैं, और इसको इसको किसके साथ मिक्स किया जाता है, फाइन फाइबर्स के साथ जो ग्लास के होते हैं, और इसको हम बोलते हैं फाइबर ग्लास. ठीक है, तब ये जो ग्लास फाइबर्स होते हैं इनमें ज़्यादा सिलिकॉन ऑक्साइड होता है, इनके पास स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है एंड करोजन नहीं होते इनमें. और साथ ही साथ ये स्पिनिंग प्रोसेस के थ्रू बनाए जाते हैं जिसमें जो मोल्डन ग्लास होता है उसको इट इज़ पुल्ड आउट विद अ फाइन नोजल. फाइन नोजल मतलब एक पतली सी ट्यूब्स होती हैं जिनका जो माउथ होता है वो काफ़ी छोटा होता है, उसके थ्रू जो मोल्डन ग्लास है उसको बार बार ना बाहर निकाला जाता है. ठीक है, जस्ट लाइक अ क्रीम. तो साथ ही साथ ये क्या किया जाता है, दे आर री इन्फोर्स स्पोर्ट्स इक्विपमेंट. इसमें आप स्पोर्ट इक्विपमेंट्स बना सकते हैं जैसे आपका टेनिस रैकेट हो गया, रोप्स होगी, केबल्स होगी एट्सेट्रा. और आगे क्या, दे कैन बी वुवन इनटू स्ट्रॉन्ग लाइट वेदर प्रूफ. इससे आप स्ट्रॉन्ग लाइट वेदर प्रूफ फायर प्रूफ करोजन रेजिस्टेंट फैब्रिक्स बना सकते हो. आगे क्या है, दे आर यूज टू मेक साउंड प्रूफ एंड इंसुलेटिंग मटीरियल. इससे आप साउंड प्रूफ और इंसुलेटिंग मटीरियल्स बना सकते हो इंडस्ट्री में और ऑटोमोबाइल्स में और होम्स में. आगे आता है आपका ऑप्टिकल फाइबर. अब आपका ऑप्टिकल जो फाइबर है उसके काफ़ी फाइन स्ट्रैंड्स होते हैं, मतलब काफ़ी पतले पतले होते हैं स्ट्रैंड्स इसके धागे से. तो ये प्योर ग्लास का बना होता है. जो ऑप्टिक फाइबर वो काफ़ी थिन होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, ट्रांसपेरेंट फाइबर होता है एज अ वेव गाइड लाइट पाइप टू ट्रांसमिट लाइट. ये लाइट ट्रांसमिट करने के लिए हेल्प करता है बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द फाइबर, मतलब एक एंड से दूसरे एंड तक जो फाइबर जो लाइट ट्रांसफर होती है उस प्रोसेस वो किसके थ्रू होती है, ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू. तो इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स में जैसे एंडोस्कोप हो गया. एंडोस्कोप बेसिकली इस तरह के आपके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे कई सर्जरीज होती है, जो डेलीकेट सर्जरीज होती हैं उस केस में क्या करते हैं, एक छोटा सा कैमरा भेजते हैं अंदर, काफ़ी बहुत 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 छोटा होता है. तो वो क्या करता है, अलॉन्ग विद दैट आपका कुछ इंस्ट्रूमेंट्स जाते हैं जो सर्जरी कर रहे हैं, तो वो क्या किया जाता है, वो इंस्ट्रूमेंट्स अंदर चले जाते हैं और वो आपको गाइड करते रहते हैं कि अब यहाँ पे टर्न करना है, तो आप वो डेलीकेट से सर्जरी करके बाहर आ जाते हो. तो ये जो काम होता है वो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट करता है जिसका नाम एंडोस्कोप होता है. तो ये क्या करता है, मैसेजेस ट्रांसमिट करने के भी काम आता है आज की मॉडर्न जनरेशन में. अब मैसेजेस ट्रांसमिट किस वजह से होते हैं, जैसे हम आपने फेसबुक पे किसी को मैसेज किया, तो ट्रांसमिट जो ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस है वो ऑप्टिकल फाइबर्स की हेल्प से होती हैं. एक आता है एस्बिटोस क्या है, बेसिकली एक फायर प्रूफ सूट होता है जिसके पास हाई रेजिस्टेंस होती है हीट और फायर के लिए. साथ ही साथ आजकल जो एस्बिस्टोस है उसका बैन कर दिया गया है यूज़ काफ़ी कंट्रीज़ में, क्योंकि जो एस्बेस्टॉस है बेसिकली आपका फाइबर जब ये गर्म हो जाता है तो इससे एक कुछ फ्यूम्स निकलती हैं इसकी, तो ये जो फाइबर है इसकी वजह से, इसके फ्यूम्स की वजह से काफ़ी सीरियस हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं जैसे कैंसर हो गया, तो इसलिए इसका यूज़ बैन कर दिया गया है. तो उसकी जगह पे एक नॉमिक्स, ये एक और फायर रेजिस्टेंट नायलॉन है, इसका इस्तेमाल किया जाता है एज अ फायर प्रूफ सूट जो नॉमिक्स का बना हो. तो ये इसकी एग्जाम्पल है फायर प्रूफ सूट की. एक आता है कर्मल. कर्मल में बेसिकली क्या हो जाता है, ये एक और तरह का फाइबर है जो फ्लेम प्रोटेक्ट है, मतलब ये भी आपका हीट रेजिस्टेंट है, इस पर आग का कोई असर नहीं आता, फायर रेजिस्टेंट है आपका. आगे क्या है, ये आपको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है. ये मिलिट्री यूनिफॉर्म्स में इसीलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है. मोर एंड मोर स्मार्ट मटीरियल्स आर बींग क्रिएटेड यूजिंग एडवांस टेक्नोलॉजी. और इसी तरह से हम और से ज़्यादा स्मार्ट चीज़ें बनाते जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी. आगे ये जो सब स्मार्ट चीज़ें हैं ये क्या कर सकती हैं, हेल्थ मॉनिटर कर सकती है, स्ट्रेस लेवल को मॉनिटर कर सकती है, इंसुलेट योरसेल्फ, इंसुलेट मतलब आपको गर्मी दे सकती है, ठीक है, कोल्ड से, ठंड से, और साथ ही साथ आपको एक अलार्म भी, जब आपको हार्ट अटैक आ रहा है इनके तो आपको एक अलार्म भी दे देगी लोगों को ताकि पता चल जाए कि आपको एक हार्ट अटैक आ रहा है और आपको बचाया जा सके. तो एक होते हैं स्कायर्स फ्रॉम USA एंड कैनेडा एट 2006 विंटर ओलंपिक्स वॉर सूट्स मेड फ्रॉम स्मार्ट मटीरियल. इट हार्डन्स इंस्टेंटली अपॉन इम्पैक्ट प्रोटेक्टिंग द वेयरर फ्रॉम इंजरी. तो किया क्या जाता है, एक बेसिकली स्कायर्स था, ये जो क्लोथ था ये USA और कैनेडा से आया था 2006 विंटर ओलंपिक्स.
ये बेसिकली जो था इसमें क्या किया गया था ओलंपिक्स में, इसमें एक सूट डाला गया था जो स्कायर्स था एक इंसान, उसने क्या किया था, एक सूट डाला था और वो काफ़ी स्मार्ट मटेरियल का बना हुआ था। इस तरह का मटेरियल था कि अगर वो नीचे गिरता था तो वहाँ से ये जो आपका सूट था वो हार्ड हो जाता था। हार्ड होने की वजह से उस जगह से आपको इंजरी नहीं लगती थी। तो इस तरह से ये काफ़ी एक स्मार्ट मटेरियल था। आगे क्या, टेफ्लॉन। टेफ्लॉन में बेसिकली क्या होता है, टेट्रा फ्लोरो इथेन नाम के यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं। इनके काफ़ी सारे यूनिट्स की पॉलीमराइजेशन करके टेफ्लॉन बनता है। अब टेफ्लॉन की जो कोटिंग होती है वो आपके किसके ऊपर अवेलेबल होती है, आपके नॉन स्टिक बर्तनों के ऊपर। ये एक आपको एंटी स्टिक क्वालिटी देते हैं जिसकी वजह से आपका खाना आपके फ्राइंग पैन्स और बेकिंग के टाइम पे चिपकता नहीं है आपके बर्तनों के साथ। और साथ ही साथ ये क्या है, अनऑफिशियल, इट इज़ अ अनऑफिशियल बाय हार्ट एंड केमिकल्स। ये अब बेसिकली अनऑफिशियल, ये पर हेल्थ के लिए अच्छे नहीं माने जाते हैं, बिकॉज जब इसको हीट किया जाता है तो इसमें से इथिलीन नाम की गैस सिक्रीट होती है जो कार्सिनोजेनिक है, मतलब कैंसर कॉजिंग है, इसकी वजह से कैंसर भी हो सकता है। तो हमें नॉन स्टिक बर्तन घर पे इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। रदर दैन दैट जो नॉन स्टिक के अलावा जो बर्तन आते हैं जो ट्रेडिशनल है हम यूज़ करते हैं, हमें वो करने चाहिए। तो एक ल्यूब्रिकेंट का काम भी करता है। ल्यूब्रिकेंट का काम मतलब जैसे आप ऑयलिंग करते हो ना किसी चीज़ के, तो आप क्या कर रहे हो, ल्यूब्रिकेशन कर रहे हो। तो इसी तरह से ये क्या करता है, ल्यूब्रिकेशन का काम करता है, मतलब किसी चीज़ को ऑयलिंग के लिए आता है यूज़। ये यूजली उन मशीन पार्ट्स को ऑयलिंग में हेल्प करता है जहाँ पे आप ऑयल यूज़ नहीं कर सकते, तो ऑयल की जगह पे आप इसको यूज़ करते हो टेफ्लॉन को। तो आगे क्या, पॉलीस्टायरीन। पॉलीस्टायरीन इसका जो ये किस्सा बना हुआ है स्टायरीन से, ठीक है। तो आप इसको मोल्ड कर सकते हो हीटिंग पे, मतलब अपनी मनचाही शेप दे सकते हो हीटिंग पे। किया क्या जाता है, व्हेन एयर इज ब्लोन थ्रू द मोल्टेन पॉलिस्टर इट फॉर्म्स अ वेरी लाइट फॉर्म। कहते हैं जब ये जो मोल्टेन पॉलिस्टर होता है जब इसमें से हवा पास करती है तो ये एक फॉर्म मतलब जो फॉर्म सी होती है ना, सॉफ्ट सी चीज़, वो वाला स्ट्रक्चर बना लेता है। और ये एक्सेलेंट इंसुलेटिंग मटेरियल होता है और पैकेजिंग मटेरियल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो इंसुलेटिंग जो रेफ्रिजरेटर्स को आप इंसुलेट करते हो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। और कोल्ड स्टोर बेसिकली, अब कोल्ड स्टोर जो है बेसिकली वो उनका काम रेफ्रिजरेटर का ही होता है। इनफैक्ट उनका टेम्परेचर और भी लो हो सकता है। अब जैसे कोई बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज उनका अगर खाने पीने का बिजनेस है, जैसे फॉर एग्जांपल आइसक्रीम फैक्ट्रीज होगी, तो वो जितने अमाउंट में वो आइसक्रीम बनाते हैं उतने अमाउंट में आइसक्रीम बनाने के लिए वो मतलब इतने सारे रेफ्रिजरेटर तो खरीद नहीं सकते हैं। तो वो क्या करते हैं कि एक रूम, बहुत बड़े बड़े जो कमरे होते हैं, जो बड़े बहुत बड़े बड़े हॉल्स होते हैं, उनको ही कोल्ड स्टोर बना देते हैं। मतलब कोल्ड स्टोर का काम क्या है, वो सारी की सारी रेफ्रिजरेटर की कंडीशन होती हैं। तो कोल्ड स्टोर बेसिकली एक बड़े कमरे को फ्रीज़र बना देना या फिर फ्रिज बना देना, उसको हम क्या बोल देते हैं, कोल्ड स्टोर, ठीक है। तो ये क्या है बेसिकली, जो एक्सपेंसिव आइटम्स होगी जैसे सेलफोन्स, टीवी हो गए, उसकी जो पैकेजिंग की जाती है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे स्पिनिंग है। स्पिनिंग का प्रोसेस क्या है, इससे क्या किया जाता है, यार्न बनाई जाती है फाइबर से। और इस प्रोसेस में क्या किया जाता है, ये जो थ्रेड्स हैं उनको ट्विस्ट किया जाता है बार बार, ठीक है। अब एक सिंपल डिवाइस जिसको हम बोलते हैं टकली, ये बेसिकली स्पिनिंग के लिए यूज़ होता है, मतलब यार्न बनाने के लिए काम आता है। और अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस, जो एक और हैंड ऑपरेटेड डिवाइस है वो क्या है, चरखा, ठीक है। तो ये जो आजकल है जो यार्न की स्पिनिंग, ये जो धागा बनाने की प्रोसेस है, ये स्पिनिंग मशीन्स पे होती है, धागे वाली मशीन पे, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी काफ़ी आ गई है। तो और लार्ज स्केल मतलब आप बहुत बड़े लेवल पे ये काम कर सकते हो। अब जो फैब्रिक्स है वो यार्न से बनते हैं, यार्न मतलब धागे से बनते हैं, दो मेथड के थ्रू, एक वीविंग और एक नाइटिंग होती है। वीविंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो दो सेट ऑफ यार्न्स होते हैं उनको क्या किया जाता है, इस तरह से अरेंज किया जाता है कि वो एक फाइबर बना देते हैं, ठीक है। और एक नाइटिंग वो काम होता है जो घर पर हमारी मदद करती हैं सर्दियों में ज़्यादा, वो क्या करती है, ऊन से स्वेटर बनाती हैं, तो उस प्रोसेस को हम नाइटिंग बोलते हैं। पर ये जो वीविंग का प्रोसेस है वो थोड़ा अलग होता है, वो ज़्यादातर आपको फैक्ट्रीज़ में देखने को मिलता है। आगे आपका बियॉन्ड बेसिक्स। बियॉन्ड बेसिक्स में उसने क्या बोला, जो फर्स्ट चाइनीज़ पेपर था वो कॉटन फाइबर का बना हुआ था। और जिस तरह से जो आपका मॉडर्न यूएस डॉलर है वो भी आपका कॉटन का ही बना हुआ है। एक जो फेडरल स्टेशनरीज होती हैं, फेडरल स्टेशनरी का मतलब कुछ ऐसे कागजात जो फेडरल हों, जो किसी कंट्री के हों, और स्टेशनरी का मतलब जो कभी चेंज ना होते हों। तो आगे क्या है, जो अब फायर हाउसेस हैं, फायर हाउसेस मतलब जो ये फायर एक्सटिंग्विशर्स वाले पाइप होते हैं, वो भी सारे किसके बने हुए हैं, कॉटन के। तो आगे क्या है, अबाउट कहते हैं जो 550 सिल्क वॉर्म्स जो होते हैं वो 1 kg रॉ सिल्क बनाने के लिए यूज होते हैं। अब जो इंडिया वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सिल्क का, ये चाइना के बाद आता है इसका नंबर। आगे इन्होंने डिस्टिंक्शन दी है पॉलीमर्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स के बीच में आपको। तो ये डिस्टिंक्शन क्या है, अब जो आपके पॉलीमर्स हैं
और माइक्रोमोलिक्यूल पॉलीमर बेसिकली क्या होते हैं, पॉलीमर में क्या किया जाता है, एक ही तरह के जो स्मॉल स्मॉल यूनिट्स होते हैं जैसे मोनोमर्स होते हैं वो सभी कंबाइन करते हैं और आपका क्या बना देते हैं, पॉलीमर। पर माइक्रोमोलिक्यूल क्या होता है, माइक्रोमोलिक्यूल पॉलीमर से कंपैरेटिवली थोड़ा छोटा होता है। इसमें माइक्रोमोलिक्यूल में आपके जो रिपीटिंग यूनिट्स वो सेम नहीं होते, मतलब एक ही तरह की चीज़ों के नहीं बने होते, ये डिफरेंट डिफरेंट तरह की चीज़ों के बने होते हैं, इसलिए इसको माइक्रोमोलिक्यूल कहा जाता है। जैसे प्रोटीन्स हो गए, न्यूक्लिक एसिड हो गए, ये हैं आपके माइक्रोमोलिक्यूल्स। पर जैसे पॉलीथीन, पॉलीप्रोपाइलिन हो गए, ये आपके किसके बने हुए हैं, पॉलीमर्स के, ठीक है, और माइक्रोमोलिक्यूल्स के। अब एक स्विस केमिस्ट से जॉर्ज एंडी मार्स, इन्होंने क्रूड आर्टिफिशियल सिल्क रेयन इन्वेंट की थी 1855 में। इन्होंने क्या किया था, एक नीडल थी उसको एक लिक्विड में डिप कर दिया जो मलमेरी बाग की पल्प से ली गई थी, और ये जो गमी रबर थी एंड गमी रबर की हेल्प से उन्होंने क्या किया, एक थ्रेड बना लिया था और उसी को उन्होंने रेयन का नाम दिया। अब कहते हैं ये जो पोलिस्टर और नायलॉन माइक्रोफाइबर्स हैं वो 100 times ज़्यादा फाइन होते हैं, मतलब 100 गुना ज़्यादा पतले होते हैं हमारे ह्यूमन हेयर से, ठीक है। तो इसको ब्लेंड करके हम सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर बना सकते हैं। साथ ही साथ एक लिकरा आता है, लिकरा एक काफ़ी मॉडर्न माइक्रो फाइबर है, इसका इस्तेमाल क्या किया जाता है ब्लेंड करने में, मतलब एक से ज़्यादा फाइबर्स को कंबाइन करके एक नया तरह का फाइबर बनाने के लिए। और दूसरा ये स्पोर्ट्स वेयर बनाने का काम आता है, स्पोर्ट्स वेयर मतलब जो स्पोर्ट्स वाले कपड़े होते हैं वो बनाने का काम आता है। बॉडी हगिंग क्लोथ्स, जो टाइट फिट क्लोथ्स होते हैं, बॉडी हगिंग क्लोथ्स उनको बोलते हैं। बैंडेजेस, बैंडेज जो आप लगाते हो अपने जख्म पे उसको बोलते हैं हम बैंडेज। और साथ ही साथ ये काफ़ी लॉन्ग लास्ट, जल्दी ख़राब नहीं होते हैं, क्रीज नहीं होते हैं, मतलब आप इसको प्रेस करने की नहीं ज़रूरत है, ये क्रैश नहीं होते धोने के बाद, स्ट्रेचेबल होते हैं काफ़ी और कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा होते हैं। साथ ही साथ इनके केयर करना भी आसान है, इनको ज़्यादा तामझाम नहीं चाहिए। जिस तरह से आपकी सिल्क होगी आपको उसको ड्राई क्लीन कराना पड़ता है, आप उसको नॉर्मल साबुन से नहीं धो सकते हो, तो मतलब ऐसा कोई झंझट नहीं है इसके साथ। तो ये मॉइस्चर काफ़ी जल्दी अब्सॉर्ब करता है, और साथ ही साथ समर में डालने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है। तो आगे क्या है, इसका जो लार्ज पार्ट है, जो हमारा हाउस होल्ड का लार्ज पार्ट है, जो उसका वेस्ट है वो प्लास्टिक है, मतलब जो हमारे घर से जो कचरा निकलता है उसका जो मैक्सिमम पार्ट है उसमें प्लास्टिक होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, बाहर से मार्केट से जो सामान लेके आते हैं, फूड स्टफ वगैरह, वेजिटेबल, क्लोथ्स हो गए, वो सभी किस में लाते हैं हम, प्लास्टिक बैग्स में, ठीक है। तो फिर एक बार इसको यूज़ करने के बाद हम क्या कर देते हैं, थ्रो कर देते हैं। और ये जो प्लास्टिक होता है वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है, मतलब एनवायरनमेंट में जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है ये बेचारे उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, तो जिसकी वजह से ये एनवायरनमेंट में एज इट इज़ पड़ा रह जाता है। तो आगे क्या है, कहते हैं जब हम बर्न करते हैं प्लास्टिक को तो ये पॉइजनस फ्यूम्स देता है, ठीक है। तो पीवीसी ऑन बर्निंग, कहते हैं जब पीवीसी, ये पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये एक तरह का आपका प्लास्टिक ही है, तो ये हाइड्रोजन और क्लोराइड की फ्यूम्स देता है, ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है। अब कहते हैं इसको रिसाइकिल करना बहुत 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 ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इसलिए साइंटिस्ट ने इसका एक ऑल्टरनेटिव निकाला जो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है, ठीक है। इसके ऊपर बैक्टीरिया आराम से एक्ट कर सकता है, और पर इसको अभी तक लार्ज स्केल पर बनाना शुरू नहीं किया है। आगे क्या है आपकी प्लास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी में क्या होता है, एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हम इसको क्या कर सकते हैं, बार बार गर्म करके नई नई शेप्स बना सकते हैं इसकी, ठीक है, तो मतलब रिसाइकलेबिलिटी। तो आगे क्या, आप जो शीप है तो इसको शीप की जब शेयरिंग का काम आता है, मतलब इसकी जो शेविंग का काम आता है, उस टाइम पे क्या किया जाता है, इसको एक वुडन बोर्ड पे बिठा दिया जाता है, और फिर विद द हेल्प ऑफ शेवर इसको क्या किया जाता है, इसकी जो स्किन है वो सारी की सारी ऊपर से उतार ली जाती है। आगे क्या, अब ये जो स्किन है हम क्या करते हैं, ये जो स्किन है उसको वॉश करते हैं थॉरली, ताकि इस पर से डस्ट और डर्ट सब निकल जाए, इस प्रोसेस को स्कोरिंग बोलते हैं। और साथ ही साथ ये जो प्रोसेस, एक प्रोसेस जो होती है जिसमें से आप फाइबर्स को पास करते हो थ्रू मेटल टीथ, मतलब कॉम्बिंग करते हो, उसको हम कार्डिंग बोलते हैं। अब जो दो टाइप का क्लोथ होता है जिसको आप प्रिपेयर कर सकते हो वूल फाइबर से, वो होता है एक वर्स्टेड एंड वुलन क्लोथ। अब जो वर्स्टेड और वुलन क्लोथ में फ़र्क क्या होता है, वर्स्टेड क्लोथ जो होता है वो स्मूथ क्लोथ होता है, इसमें फजीनेस कम होती है और फर्म टू टच, मतलब काफ़ी हार्ड होता है टच करने के टाइम पे, जैसे क्रीपीज और गैबरडिन हो गए, ये इसके टाइप है क्लोथ की। आगे वुलन क्लोथ आ जाते हैं, फील सॉफ्ट, इनको हाथ लगाते हैं तो काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, फजी होते हैं, फजी मतलब कि ये आपस में जिसे कहने चाहिए ना गुच्छे टाइप से बने होते हैं। और साथ ही साथ ये बल्कि इन लुक, अगर आप देखेंगे तो अगर किसी ने स्वेटर डाला है ऊन वाला तो काफ़ी ना बड़ा बड़ा सा लगता है। तो आगे आ जाता है एग्जाम्पल होम स्पन, ट्वीट्स, फ्लैनल एट्सेट्रा।
तो आगे क्या है, वाइल सॉर्टिंग वूल, अब वूल को जब सॉर्ट कर रहे होते हैं तो वर्कर्स क्या करते हैं, उनको इन्फेक्शन हो सकती है एक बैक्टीरिया से जिसका नाम होता है एंथ्रेक्स। तो मतलब कि इसकी वजह से एक काफ़ी अच्छी खासी डिसीज़ हो सकती है जिसको हम सॉर्टेज डिसीज़ भी बोलते हैं, और इसका काफ़ी रिस्क होता है उन वर्कर्स को जो ये इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं। अब एक जो फीमेल सिल्क मोथ है, एक टाइम पे 500 एग्स ले करती है, ठीक है, पिस हेड के साइज़ जितना होता है ये। और जो साइंटिफिक नेम है आपका मलबरी ट्री का वो है मोरस एल्बा। और जो कोकून्स हैं दे आर स्पन बाय यूजिंग टू थ्रेड्स, इसमें दो थ्रेड्स जो कोकून्स हैं इनके ग्लैंड से दो थ्रेड्स एक टाइम पे निकलते हैं और वो कोकून बनाते हैं, ठीक है। अब जो रेयन है सबसे पहले यूएस में बनाया गया था, एंड लेटर ऑन जो इसका मेथड था ये यूरोप में इम्प्रूव किया गया था और ज़्यादा, और विस्कॉस प्रोसेस की गई थी। जो आपने विस्कॉस एक पढ़ा था ऊपर रेयन के केमिकल रिएक्शन में, विस्कॉस ये था आपका, बिकॉज आपके यूरोप में बना था। तो आगे क्या है, अब ये जो वुवन फैब्रिक होते हैं ये एक लूम पे, एक मशीन जो होती है ये फैब्रिक्स के लिए, उसको लूम बोलते हैं, उस मशीन पे बनाया जाता है। और साथ ही साथ ये जो लॉन्गिट्यूडनल थ्रेड्स होते हैं उसको रैप बोलते हैं, एंड ट्रांसवर्स थ्रेड्स आर कॉल्ड वेफ्ट। जो लॉन्गिट्यूडनल जो लंबे लंबे से थ्रेड्स होते हैं उनको आप बोलते हो रैप, और एक जो ट्रांसवर्स थ्रेड्स होते हैं, ट्रांसवर्स थ्रेड का मतलब वैसे उसको हम बोलते हैं वेफ्ट, ये लंबे लंबे होते हैं, ये पतले पतले होते हैं काफ़ी। तो रेयन एंड एसीटेट आर सेल्यूलोज बेस्ड फैब्रिक, तो इससे आपको क्या पता चल रहा है, जो आपके रेयन और एसीटेट थे जो आपने ऊपर पढ़े थे वो आपके हैं सेल्यूलोज बेस्ड फैब्रिक्स। तो आगे हम बात करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेचुरल फाइबर्स, इनमें से कौन सा नेचुरल फाइबर है आपने वो बताना है, ठीक है। सो योर ऑप्शन है सी वूल, सिल्क एंड हेम्प। आगे क्या है आपका सिंथेटिक फाइबर आपने बताना है, इनमें से आपका सिंथेटिक फाइबर कौन सा है, तो योर ऑप्शन इज ए ओरियन, पॉलीप्रोपाइलिन एंड नाइलॉन। तो आगे क्या है, इसमें इसने पूछा कौन सी कंट्री लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन की इन सब में से, तो आपका ऑप्शन क्या है यहाँ पे, योर ऑप्शन है ऑप्शन बी सदर्न यूएस एंड चाइना एंड इंडिया, और ये तीनों लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। जो मेन सोर्स है कश्मीर का, कश्मीर बेसिकली आपकी एक तरह की वूल होती है, तो मेन जो इसका मेन सोर्स है जहाँ से ये मिलती है वो कौन सी है आपने वो बताना है, तो ये आपको मिलती है कश्मीरी गोट से। आगे क्या, चूज़ द सेल्यूलोज बेस्ड फाइबर, इनमें से सेल्यूलोज बेस्ड फाइबर कौन सा है, तो आपको लास्ट पॉइंट में बताया गया था रेयन और एसीटेट दोनों सेल्यूलोज फाइबर्स हैं, तो ये बोथ आ गया आपके पास ऑप्शन। आपके पास आता है आगे सिंथेटिक फाइबर कंटेंट फ्रॉम रेन्यूएबल रिसोर्स, जो रेन्यूएबल रिसोर्स से मिलता है आपको वो कौन सा है आपने वो बताना है। तो अगर आप सिक्स की ओर देखें सी ऑप्शन, तो रेयन आपको मिलता है इस प्रोसेस से। तो विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज़ नॉट रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन, इनमें से कौन सी चीज़ सिल्क प्रोडक्शन के साथ रिलेटेड नहीं है, तो शेयरिंग, शेयरिंग ये होती है आपकी वूल बनाने के लिए। आगे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डज नॉट यील्ड वूल, इसमें से किस से आपको वूल नहीं मिलती, तो डॉग से आपको वूल नहीं मिलती है। आगे आता है इनमें से कौन सी सिंथेटिक फाइबर नहीं है आपने वो बताना है, रेयन है आपकी, पॉलिएस्टर भी है, नायलॉन भी है, पर अंगोरा आपकी नेचुरल फाइबर है। आगे इन सब में से गुड इंसुलेटर कौन सा है, मतलब जो सर्दियों के लिए बेस्ट कपड़ा आप कौन सा इस्तेमाल कर सकते हो, तो आप इसके लिए कर सकते हो सिल्क का इस्तेमाल, तो सिल्क इज़ अ वेरी 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 गुड इंसुलेटर, सॉरी पॉलिएस्टर फॉर्म, जो पॉलीस्टाइरीन की फॉर्म होती है इससे भी बेस्ट इंसुलेटर माना जाता है। तो नायलॉन 66 इज मेड फ्रॉम, नायलॉन 66 किससे बनता है आपने वो बताना है, तो सी इज योर ऑप्शन या एडिपिक एसिड और हेक्सा मिथाइलिन डायामीन बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से बनता है। तो आगे जो मेजर रॉ मटेरियल होता है रेयन का वो आपको किससे मिलता है आपने वो बताना है, तो वुड से मिलता है आपको मेजर रॉ मटेरियल, सो इज योर ऑप्शन, वुड से आपको सेल्यूलोज मिलती है, ठीक है, तो इसलिए इट इज़ द मेजर रॉ मटेरियल ऑफ रेयन। आगे क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम टेरीपथैलिन एसिड एंड ग्लाइकोल मोनोमर्स, अब इन दोनों से आपको क्या चीज़ मिलती है आपने वो बताना है। तो 13th का आपका ऑप्शन आएगा बी, पॉलिएस्टर आपको मिलता है इससे, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर ऑफ जूट, जूट के कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से आपने वो बताना है, तो सी इज योर ऑप्शन, सी आपका ऑप्शन है यहाँ पे, आप देख सकते हो सी फर्स्ट से भी मिलता है, सेकेंड से भी और फोर्थ से भी मिलता है, मतलब रेनी सीजन की क्रॉप है। दूसरा आपको क्या है, हार्वेस्टिंग, ये फ्लावरिंग स्टेज पे इसकी हार्वेस्टिंग होती है, और दूसरा इसमें सेल्यूलोज और लिग्निन भर भर के होता है, ठीक है। वूल आपको किससे मिलती है आपने वो बताना है, शीप से भी मिलती है, लैम्ब से भी मिलती है, गोट से भी मिलती है, तो ऑल ऑफ दिस इज़ योर आंसर। अब आपने, आपसे एडवांटेजेस पूछे गए हैं किसके, सिंथेटिक फाइबर के, तो सिंथेटिक फाइबर का आपने बताना है, एक तो टफ होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, तो ये ऑप्शन आ सकता है। अब जो वाटर रेजिस्टेंट होते हैं, ईजी टू ड्राई, ये भी इसका ऑप्शन है, तो
रिंकल नहीं करते हैं, प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, सी भी ऑप्शन हो सकता है. तो ऑल ऑफ दिस इज़ योर आंसर, ये आपका आंसर है. तो आगे हैं टेरी वूल. जो टेरी वूल होती है वो किस चीज़ को हम मिक्स करते हैं और हमारे पास टेरी वूल आती है, आपने वो बताना है. तो टेरी वूल आपको मिलती है ऑप्शन ए पॉलिएस्टर और वूल को, दोनों को कंबाइन करने से. आगे आते हैं आपके प्लास्टिक्स. जो आपके प्लास्टिक्स हैं इनमें से आपसे ऑप्शन पूछा गया आपका प्लास्टिक से क्या हो सकता है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपने वो देखना है. तो अगर आप देखें 18th के डी पार्ट की और, तो ए बी सी ये तीनों के तीनों ऑप्शन हैं इसके. आगे हैं जो ग्लास फाइबर हैं, ग्लास फाइबर में बेसिकली होता क्या आपने वो बताना है. तो उसमें होता है सिलिकॉन ऑक्साइड, ठीक है, तो इज योर ऑप्शन. आगे विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज अ फायर रेजिस्टेंट, इनमें से किसको हम फायर रेजिस्टेंट की तरह यूज़ करते हैं. तो एस्बेस्टॉस को भी इस्तेमाल किया जाता है, नॉमिक्स को भी, कैनल को भी. तो ऑल ऑफ दिस इज़ योर आंसर. आगे सिंथेटिक फाइबर्स आपको किससे मिलते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स आपको मिलते हैं ये आपको मिलते हैं पेट्रोलियम से. पेट्रोलियम आपका ऑप्शन है जिससे आपको क्या मिलता है, सिंथेटिक फाइबर्स. आगे विच ऑफ दीज फैब्रिक्स विल यू प्रेफर ऑन हॉट एंड ह्यूमिड डे. हॉट मतलब जब गर्मी है तो उस केस में आप कौन सा फैब्रिक पसंद करेंगे, मतलब कौन सा आपके लिए सूटेबल रहेगा. तो कॉटन इज योर ऑप्शन. अब विच ऑफ दीज इज नॉट अ फाइबर, इनमें से कौन सा फाइबर नहीं है. तो लेदर आपको फाइबर नहीं माना जाता है, तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है आपने वो बताना है. तो अगर आप 24 का बी ऑप्शन ध्यान से देखें तो आपकी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं है कि जूट इज अ आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट, ठीक है. आगे क्या है, जूट ग्रोथ कहाँ पे होती है, जूट आपको कहाँ पे मिलती है आपने वो बताना है. तो जो जूट की ग्रोथ है वो सबसे ज़्यादा होती है असम में भी होती है, वेस्ट बंगाल में भी और बिहार में भी. तो ऑल ऑफ दिस इज़ योर ऑप्शन. अब आपने दो मेन प्रोसेसेस बनानी है जिसमें आप फैब्रिक्स बना सकते हो. दो मेन प्रोसेसेस आप बताएंगे, इसमें से दो मेन प्रोसेसेस कौन सी हैं आपकी, वीविंग एंड नाइटिंग. इस प्रोसेस के थ्रू आप फैब्रिक बनाते हैं. आगे क्या है, कॉटन फाइबर से आपको कौन सी चीज़ मिलती है आपने वो बतानी है. तो कॉटन फाइबर से आपको स्वेटर्स तो नहीं मिलती हैं, ठीक है, साड़ीज़ भी नहीं मिलती हैं, शूज़ भी नहीं मिलते हैं. तो मैट्रेसेस आपका ऑप्शन है. जो आपके मैट्रेसेस हैं वो किससे बनते हैं, कोकोनट फाइबर से. आगे के जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम डैश ऑफ द प्लांट. अब जूट फाइबर आपको किससे मिलता है, जूट फाइबर आपको मिलता है स्टेम से, स्टेम काटी जाती है इसमें. तो गेनिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग कॉटन सीड्स फ्रॉम द कॉटन बॉल्स. हियर द कॉटन बॉल्स आर, अब इसमें से कॉटन बॉल्स कौन सा पार्ट है आपने वो बताना है. तो कॉटन बॉल है आपका सीड पार्ट, ये आपका सीड पार्ट आ जाता है. आगे आता है आपके नेचुरल फाइबर्स. नेचुरल फाइबर्स में से सब में से कौन है आपने वो बताना है. नन ऑफ दीज, नायलॉन रेयन नहीं होते हैं, नायलॉन भी नहीं होता है, रेयन भी नहीं होता है. तो नन ऑफ दिस इज योर ऑप्शन. सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम, सिल्क आपको किससे मिलता है, लार्वा ऑफ सिल्क वॉर्म. आपको ना शीप से मिलता है और ना कॉटन प्लांट्स ऑफ गुड क्वालिटी. आफ्टर रिमूविंग द वूल फ्रॉम अ शीप इज कॉल्ड शीप. शीप से जब आप उसकी वूल रिमूव करते हो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, शेयरिंग, ठीक है. सिंथेटिक फाइबर्स इसमें से पूछे, इनमें से सिंथेटिक फाइबर्स आपके कौन से हैं आपने वो बताना है. तो सिंथेटिक फाइबर्स आपका रेयन भी है, नायलॉन भी है और पॉलिएस्टर भी है. तो ऑप्शन इज सी. आगे चलते हैं. अब ये जो प्रोसेस है आपकी सेपरेशन की, ब्रोकन वुडी पीसेस. अब जो ब्रोकन वुडी पीसेस होते हैं सेपरेट करना उनको फाइबर्स में से, फाइबर्स से, उसको क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को आपने वो बताना है. तो ये जो आपकी प्रोसेस है इसको कहा जाता है स्कॉचिंग. डी इज योर ऑप्शन. तो आगे क्या, कॉटन आप ऑब्टेन कहाँ से करते हैं आपने वो बताना है. बॉल्स, ये आपको बॉल्स होते हैं बेसिकली, फ्लावर्स की जो बॉल्स बन जाती है उनसे आपको अपनी कॉटन मिलती है. तो आगे जूट क्या है, जूट को आप किस प्लांट से ऑब्टेन करते हो, पैटसन. पैटसन बेसिकली प्लांट है, पैटसन के किस पार्ट से लिया जाता है आपने वो बताना है. तो पैटसन का जो स्टेम पार्ट होता है उससे लिया जाता है इसको. इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है आपके कॉटन क्लोज के लिए आपने वो बताना है. तो कॉटन क्लोज के लिए आपका ए है. ये क्या करती है, वाटर को काफ़ी अच्छी तरह से अब्जॉर्ब करती है और मॉडरेट स्पीड पे बर्न करती है. ये मतलब मॉडरेट स्पीड पे जलती है, मतलब जैसे आपकी सिल्क है वो तो एकदम आग पकड़ती है सारी की सारी जल जाती है ना, पर ये इतनी जल्दी नहीं जलती है. आगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है आपने वो बताना है. तो ऑप्शन है सी, सी ऑप्शन है, बोथ ए और बी ऑप्शन आपके करेक्ट है. जिसमें क्या है, कॉटन जो है बॉल से मिलती है फ्लावर की, और साथ ही साथ जो फ्लैक्स और फाइबर्स होते हैं उनको आप स्टेम से लेते हैं प्लांट्स की. आगे एनिमल फाइबर्स के दो एग्जांपल देनी है आपको, कॉटन वूल दी गई है, कॉटन फ्लैक्स दी गई है, सिल्क जूट दी गई है और वूल एंड सिल्क दी गई है. तो वूल एंड सिल्क आपका ऑप्शन आएगा. अब विच नेशनल्स वर द फर्स्ट टू कल्टीवेट कॉटन, अब सबसे पहले इन चारों में से किसने सबसे पहले कॉटन कल्टीवेट की थी, तो इंडियंस ने की थी. वूल इज़ अ
वूल इज वॉर्म बिकॉज वूल वॉर्म क्यों होती है? तो ऑप्शन इज ए, ये फ्लफी होती है और इसके अंदर एयर काफ़ी समय तक कैद रहती है बिकॉज इट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो आगे क्या है आपके पास, शेडिंग ऑफ स्किन ऑफ कैटरपिलर, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, तो आपने वो बताना है। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है मोल्डिंग। आगे कहते हैं ये जो थ्रेड्स होते हैं जो आपको रीलिंग प्रोसेस से मिलते हैं इसको क्या बोलते हैं, आपने वो बताना है। तो रीलिंग प्रोसेस से जो आपको थ्रेड बोलता है इसको कहते हैं रॉ सिल्क। आगे कहते हैं जो फैब्रिक्स हैं जो वूल यूज़ करके बनाए जाते हैं बाय कार्डिंग स्पिनिंग एंड वेयरिंग, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, आपने वो बताना है। तो 44th का आपका आंसर है ए, शॉडी। आगे द स्प्लिटिंग ऑफ वुलन वेब। अब जो वुलन वेब है जिसको आप स्प्लिट करते हैं फाइन थिन थ्रेड्स फॉर स्पिनिंग, इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं, आपने वो बताना है। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है रोविंग। आगे ट्विस्टिंग, ये जो ट्विस्टिंग होती है सिल्क की इसको क्या बोलते हैं, थ्रोइंग, इस प्रोसेस को थ्रोइंग कहा जाता है। आगे मलबरी का साइंटिफिक नेम क्या था, मोरस अल्बा। अब विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज नॉट कॉमन अमंग वर्कर्स, के ये जो वर्कर्स होते हैं सेरिकल्चर वाले के, जो सिल्क वॉर्म वाले वर्कर्स होते हैं उनके केस में कौन सी डिसीज़ नहीं हो सकती है, सॉरी इन्होंने मोस्ट कॉमन जो इनमें आम डिसीज़ हो जाती है वो वाली डिसीज़ पूछी है। तो कौन सी डिसीज़ होगी, एक होती है रेस्पिरेटरी एंड स्किन डिसीजेज इनको हो जाती हैं। आगे कौन सा मटेरियल जो है उसको क्लोथ में यूज़ किया जाता था एंशियंट टाइम में, आपने वो बताना है। तो एंशियंट टाइम में जो आपका यूज़ किया जाता था वो ऑल ऑफ दीज से एनिमल स्किन का भी इस्तेमाल किया जाता था, वाइन्स एंड ग्रासेस। वाइन्स बेसिकली आपकी होती हैं ये जो बेलें होती हैं उनको वाइन्स हम बोलते हैं। आगे कंप्लीट कोरिलेशन, इसमें से सबसे ज़्यादा कंप्लीट कोरिलेशन किसका है, आपने वो बताना है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आएगा, तो जो आपको ऑप्शन आएगा वो आएगा ए, हेयर ऑफ रैबिट। तो आगे क्या करेक्ट फुल फॉर्म आपने बतानी है पी ई टी ई की, ठीक है, पी ई टी की जो करेक्ट फुल फॉर्म है वो क्या है, इज योर ऑप्शन पॉलीथाइलिन टेरा पथैलेट। आगे सिंथेटिक फाइबर्स हैं, इनमें से सिंथेटिक फाइबर्स कौन से हैं, सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं आपके पॉलीमर्स। सो सिल्क थ्रेड्स मेड बाय ट्विस्टिंग इंडिविजुअल थ्रेड ऑफ रॉ सिल्क, वो कौन सा सिल्क होता है आपने वो बताना है। तो इस केस में आपका ऑप्शन आएगा बी, उसको क्रीपी सिल्क बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंथेटिक फाइबर इज अ गुड अब्जॉर्बेंट, इनमें से गुड अब्जॉर्बेंट, सबसे अच्छा अब्जॉर्बेंट कौन सा माना जाता है, तो ऑप्शन इज योर बी, बी ऑप्शन है। साथ ही साथ जो आपके ग्लास फाइबर्स हैं उनको मेजरली यूज़ किया जाता है किस कंडीशन में, आपने वो बताना है। तो जो आपका ऑप्शन है वो है सी ऑप्शन, इसमें आ जाता है आपका फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, इनमें से कौन सा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है आपका, तो आपका ऑप्शन है डी, बेकलाइट आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, मतलब एक बार गर्म कर दिया तो शेप दे दी तो काम खत्म। आगे क्या है, पॉलीकॉल इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग, पॉलीकॉल किससे आपको मिलता है, किस चीज़ से ऑब्टेन किया जाता है, इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेयन एंड नायलॉन। तो आगे आपके पास क्या आता है, इनहलेशन। अब किस फाइबर के इनहलेशन की वजह से कैंसर हो सकता है, एस्बेस्टॉस था हमने पढ़ा था इसको। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैक्रोमोलिक्यूल, इनमें से मैक्रोमोलिक्यूल आपको कौन सा, तो प्रोटीन भी आपका मैक्रोमोलिक्यूल है, सो ऑप्शन इज सी ओनली। बाकी ये जो सारे हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड एंड पॉलीथाइलिन, ये आपके मोनोमर्स हैं। तो आगे कहते हैं वर्कर्स ऑफ विच फैब्रिक इंडस्ट्री हैव मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग इन्फेक्टेड विद एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स वूल इंडस्ट्री वालों को हो सकती है। आगे जो पॉलिएस्टर के माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं इनको कितनी बारी प्रोसेस, ये कितने टाइम्स पतले होते हैं ह्यूमन हेयर से, सो दे आर 100 टाइम्स फाइनर देन द ह्यूमन हेयर्स। तो विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से किसी भी मटेरियल को आप मोल्ड कर सकते हो वेरियस फॉर्म्स में, उसको बोलते हैं हम प्लास्टिसिटी। अब जो अल्टरनेटिव है एक्सपेंसिव प्लास्टिक रिसाइकिलिंग के लिए वो क्या है, आपने वो बताना है। डेवलपिंग ऑफ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, रीयूज, रिसाइकिलिंग प्लास्टिक, कौन सा है इसमें से ऑप्शन, तो वो देखते हैं। तो ऑप्शन है सी, एक बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बना दो, ये झंझट ही खत्म है इसका। तो आगे विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्मार्ट मटीरियल, स्मार्ट मटीरियल का कौन सा करेक्टरिस्टिक्स हैं बेस्ट इसमें से, आपने वो बताना है। तो बी इज योर ऑप्शन, फर्स्ट भी है, थर्ड भी और फोर्थ भी है। आगे कॉटन क्रॉप इज कल्टिवेटेड बिटवीन रेनफॉल रेंज, रेनफॉल रेंज कितनी होनी चाहिए तब हम इसको कल्टीवेट करते हैं, मतलब सॉरी कल्टीवेट नहीं, हार्वेस्ट किया जाता है इसको तब। तो हार्वेस्ट किस दौरान किया जाता है, बी ऑप्शन में, जब 50 सेंटीमीटर टू 80 सेंटीमीटर रेन होती है। अब ये जो प्रोसेस जिसमें जो पेरेंट्स हैं उसको स्पेशली चूज़ किया जाता है ताकि उनसे एक स्पेसिफिक टाइप की शीप ली जा सके, इसको क्या बोलते हैं, सेलेक्टिव ब्रीडिंग।
आगे जो आपके पॉलीविलाइन विनाइल क्लोराइड्स होते हैं, जब इसको बर्न किया जाता है तो ये फ्यूम्स देते हैं। तो ये किस चीज़ की आपको फ्यूम्स देते हैं आपने वो बताना। तो ये आपको HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड की फ्यूम्स देते हैं। अब 1 kg जो आपकी रॉ सिल्क होती है, इसके लिए आपको कितने सिल्क वॉर्म्स चाहिए? 550 सिल्क वॉर्म्स चाहिए। एंड इनमें से कौन सा जो पॉलीमर है वो सब्स्टिट्यूट की तरह इस्तेमाल किया जाता है मेटल्स में, बॉल बेयरिंग्स और गियर्स के केस में आपने वो बताना है। तो इस केस में आप इस्तेमाल करते हो नायलॉन का। तो अब बात करते हैं एक्सरसाइज 2 की। तो इसमें मैच द फॉलोइंग करेंगे, तो इसमें से जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? ऑप्शन है सी, सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। आगे मैच द फॉलोइंग सेकंड की ओर चलते हैं, तो इसमें से जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। आगे फिर से आपका मैच द फॉलोइंग है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आएगा आपका करेक्ट? वो है ऑप्शन ए। फिर चलते हैं आपके नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग की ओर, तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा आ रहा है आपका? ऑप्शन आ रहा है बी। तो फिर से आपका मैच द फॉलोइंग आ गया, तो इस केस में आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा आएगा? तो इसमें से जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। फिर से नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग करते हैं हम, तो इसमें क्या है आपका? ऑप्शन ए इज़ योर करेक्ट ऑप्शन। इसमें आपने मैच करने 2 कॉलम्स, इसको और इसको, इन दोनों को। तो इसमें से जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है ए। देन इसमें से हमने बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो इसमें से जो स्टेटमेंट ट्रू है वो है ऑप्शन नंबर बी, जो इंडिया है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सिल्क का, और ये चाइना के बाद आता है। अब इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है आपने वो बताना है। तो इस केस में आपका ऑप्शन ठीक जो ठीक है वो है ए, सेलुलोज डाइएसिटेट एक सेमी सिंथेटिक फाइबर है। और आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है आपने वो बताना है। तो 9th का ए ऑप्शन आएगा। अब जो नायलॉन है उसको प्रिपेयर किया जाता है बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन, डाई एसिड एंड डायामीन की पॉलीमराइजेशन की जाती है, एडिशन पॉलीमराइजेशन, उससे आपका नायलॉन बनता है। तो आगे क्या है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है आपने वो बताना है। तो इसमें से जो आपका डी ऑप्शन है वो ठीक है, जो साइंटिफिक नेम है मलबेरी का वो होता है मोरस अल्बा। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है अब हम वो भी देखते हैं। तो इनमें से जो स्टेटमेंट फॉल्स है वो है ऑप्शन सी, जो फर्स्ट चाइनीज़ पेपर था वो फाइबर का बना था। फर्स्ट चाइनीज़ पेपर आपका कॉटन का बना था, आपको याद होगा हमने पढ़ा था बियॉन्ड द बेसिक्स में। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है आपने वो बताना है। तो यहाँ पे लिखा गया है आपके ऑप्शन सी में, पॉलिएस्टर इज अ थर्मोप्लास्टिक, पॉलिएस्टर एक फैब्रिक है वो थर्मोप्लास्टिक नहीं होता है, सो दिस ऑप्शन इज फॉल्स। और साथ ही साथ इन्होंने एक और बात की हुई है, हाँ बस ऑप्शन सी इज़ योर फॉल्स ऑप्शन। आगे चलते हैं, बिलो पिक्चर इज रिलेटेड टू विच फाइबर। अब आपको पिक्चर तो दी नहीं गई है तो आप ये वाला क्वेश्चन छोड़ दीजिए। आगे विच प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड इन पिक्चर बिलो, फिर से ये क्वेश्चन छोड़ दीजिए। अब फिर से ये पिक्चर वाला क्वेश्चन आया तो ये भी छोड़िए, एंड फिर से पिक्चर वाला क्वेश्चन आ गया है। तो आगे क्या है, अब जो करेक्ट डेफिनेशन कौन सी अकॉर्डिंग की आपने वो बताना है 17th क्वेश्चन में। तो सी इज़ योर ऑप्शन, द प्रोसेस ऑफ पासिंग फाइबर्स थ्रू मेटल टीथ, जो मेटल टीथ में से फाइबर जाते हैं ताकि वो सीधे हो जाए उनको हम बोलते हैं कार्डिंग। तो इसमें से कौन सी जो प्रोसेस है वो करेक्ट है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के लिए? तो ऑप्शन अगर बी आप ध्यान से देखें, तो इनको आप हीट कर सकते हैं एक ही बारी, ठीक है, तो आप इसे एक बारी सेट कर सकते हैं और फिर इसकी शेप जो है उसको रीमेल्ट करके रिकास्ट नहीं किया जा सकता, मतलब शेप चेंज नहीं होती है। तो आगे आपको शॉडी प्लास्टिक्स के बारे में पूछा है, उसके करेक्ट डेफिनेशन तो आपने वो बतानी है। तो इस केस में ना ए ऑप्शन आएगा इसका, जो फैब्रिक्स आपको वूल से मिलते हैं, ठीक है, बाय कॉर्डिंग स्पिनिंग एंड वेयरिंग, उनको हम बोलते हैं शॉडी प्लास्टिक्स, ठीक है। तो आगे क्या है, कौन सी डेफिनेशन करेक्ट है आपकी पॉलीमर्स के लिए? तो पॉलीमर्स के केस में हम एक ऑप्शन देख लेते हैं, तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन आ रहा है? इसमें आ रहा है आपका ऑप्शन बी। तो ये बेसिकली आपके माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका मास बहुत ज़्यादा होता है और इनके पास होते हैं लार्ज नंबर ऑफ रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट्स। तो आगे बात करते हैं 21st क्वेश्चन की, इसमें आपको एक्सप्लेनेशन मांगी है स्टेटमेंट के लिए कि जो पॉलीस्टायरीन फॉर्म है इसका इस्तेमाल एज अ इंसुलेटिंग मटेरियल किया जाता है रेफ्रिजरेटर और कोल्ड स्टोर्स में, ठीक है। तो इसके बारे में इन्होंने आपका ओपिनियन पूछा, तो इसमें से आपका सी ऑप्शन आएगा कि जब एयर को इसमें से ब्लो किया जाता है मोल्टेन पॉलीस्टायरीन में से, तो ये एक फॉर्म बना देता है लाइट फॉर्म, जो एक एक्सीलेंट इंसुलेटिंग और पैकेजिंग मटीरियल माना जाता है। तो नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट एक्सप्लेनेशन, रबर के लिए बेस्ट एक्सप्लेनेशन क्यों है? कहते हैं जो रबर है उसको रेनकोट की तरह इस्तेमाल क्यों किया जाता है, तो आपने वो बताना है। तो इस केस में अगर आप सी ऑप्शन की ओर देखें, इसलिए क्योंकि ये वेट नहीं होती है ड्यू टू बीइंग वाटरप्रूफ, ये वाटरप्रूफ होती है इसलिए ये जल्दी गीली नहीं होती है, तो इसलिए इसका रेनकोट बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। तो आगे क्या है आपका
23rd क्वेश्चन है, इसमें क्या है, इन्होंने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेनेशन है आपके स्टेटमेंट के लिए, नाउ अ डेज जो एस्बेस्टॉस है उसको बैन क्यों किया गया है। तो अगर आप ऑप्शन बी की ओर देखिए तो इनहलेशन ऑफ एस्बेस्टॉस कैन कॉज सीरियस इलनेस इंक्लूडिंग कैंसर, तो यही रीजन है इसको बैन किया गया, तो ऑप्शन इज बी। सो दैट इज ऑल।